आवाज थी, फालसे काले काले मीठे मीठे फालसे। अरे भैया, किसका उड़ के आ गया ये हवा में, धारीदार कच्छा जिसका व्यू आके ले जाए। तो देखा आपने, वो किसी का धारी वाला कच्छा उड़ के आ गया था हमारी पार्किंग में। आजकल कौन पहनता है ऐसे, वो जिसका भी वो शर्म के मारे उठाने भी नहीं आ रहा होगा। तो मैं अभी गया था बाहर वेजिटेबल्स ले, तो मुझे याद आया कि जामुन आ गए होंगे, तो जामुन ढूंढते हैं कहीं मिल जाए। तो देखिए इधर उधर तो जामुन कहीं नहीं मिले हैं। तभी तो पीछे से आवाज़ आई, बड़ी मीठी सी, बड़ी सुरीली, दिल को ठंडक पड़ गई वो आवाज़ सुन के। वो आवाज़ थी, फालसे काले काले मीठे मीठे फालसे। तो ये देखिए मैं ले आया फालसे, अब मैं इसका बनाऊंगा शरबत। आपने पिया है कभी इसका शरबत? पी के देखिए, बड़ा मज़ा आ जाएगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नए दिन की शुरुआत। इट्स माई प्लेजर टू वेलकम यू ऑल इन माई न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आज बहुत दिनों बाद आपने देखा होगा मुझे सब्जी काटते हुए। सब्जी तो मैं रोज ही काटता हूँ। मेरी बड़ी इच्छा होती है कि मैं देर तक सोऊं, 11 बजे 12 बजे, पर हो नहीं पाता। मेरी नींद खुल जाती है 5 बजे रात को, चाहे 11 बजे सोऊं चाहे रात को 2 बजे सोऊं, मेरी नींद 5 बजे खुल जाती है। कई लोगों की हैबिट होती है, कई लोग होते हैं उठते ही देर से हैं, वो चाहे जल्दी सोएं चाहे कभी भी सोएं। आपके साथ भी ऐसा होता है? और छुट्टी वाले दिन होता है कि चलो आज छुट्टी है, आज देर तक सोएंगे, लेकिन उस दिन और जल्दी नींद खुल जाती है। पता नहीं मैं देर तक कब सो पाऊंगा। खैर छोड़िए ये सब, आप बताइए क्या चल रहा है। लॉकडाउन चल रहा, क्वारंटीन चल रहा, उसके अलावा और क्या चल रहा। वेजिटेबल काटने के भी दो तरीके होते हैं, एक तो या मेहनत करके काट लो, या फिर जैसे वो इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर बताते हैं उस स्टाइल में काट लो। चॉइस आपकी है। ये उपमा बनाने के लिए मैंने बारीक बारीक इतना छोटा छोटा काट लिया है सब्जियों को, जितनी छोटी छोटी बातों में आपके झगड़े हो जाते हैं। इसमें हमने पहले डाल लिया थोड़ा सा ऑयल, अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी पॉपी सीड्स। पॉपी सीड्स मतलब राई। अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कड़ी पत्ता। आवाज आने लगी है, अब इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा अनियन। अब हम इसमें बाकी वेजिटेबल्स भी डाल देते हैं। कॉर्न भी डाल देते हैं इसमें। थोड़ी थोड़ी देर में इसको हिलाते रहें, क्या बढ़िया फ्लेवर आ गया।
कलर भी देखिए, रेड येलो ग्रीन टेक्निकल कलर, देखने में ही सुंदर लगते हैं, खाने में तो और भी बढ़िया मजा आएगा। अब इसमें हम डाल देंगे सूजी बारीक वाली, रवा भी बोलते हैं कई लोग, ये हमने इसमें डाल दी सूजी। अब इसको कंटिन्यूस चलाते रहेंगे जब तक ये रोस्ट ना हो जाए। आपको पता ही है मैं सब्जियां ज्यादा डालता हूँ हर चीज में, रवा कम डालता हूँ। इसमें सब्जियां ज्यादा दिख रही हैं, रवा कम दिख रहा है। चलिए कोई बात नहीं, सब्जियां ही खा लेंगे। थोड़ा कम पड़ रहा है, थोड़ा और डालना पड़ेगा लगता है। थोड़ा सा और डाल देते हैं, कम लग रहा था वो थोड़ा। अब इसको ऐसे ही रोस्ट होने देंगे, कम से कम 5 से 10 मिनट तो लगेंगे। अब इसमें ऐड कर देते हैं हम थोड़ा सा सॉल्ट। इसमें आप रोस्ट बादाम भी डाल सकते हैं, वो भी रोस्ट होके अच्छा क्रिस्पी टेस्ट आता है। मूंगफली भी डाल सकते हैं, चने की दाल भी रोस्ट की हुई वो भी डाल सकते हैं, इसमें क्रिस्पी हो जाता है, अच्छा टेस्ट आता है। बहुत सारे ऑप्शन हैं, वेजिटेबल्स भी और कोई अगर डालना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। आइए जब तक ये हो रहा है तब तक हम कुछ बातें कर लेते हैं। आज सेंसेक्स 51,000 हो गया है, बहुत नीचे की चला गया था ये लास्ट ईयर मार्च में। जिसने भी जो इन्वेस्ट किया होगा वो अभी उसका डबल हो चुका होगा, डबल से भी ज्यादा। तो थोड़ी थोड़ी सेविंग्स इन्वेस्ट करते रहना चाहिए कहीं भी, बहुत जरूरी है। अमेरिका में रिसेशन इसलिए आया था क्योंकि वहाँ के लोग सेविंग्स नहीं करते हैं, लेकिन अपने इंडिया में अच्छी आदत है, अच्छी हैबिट है लोगों में सेविंग करने की। आप भी जरूर सेविंग किया कीजिए। कोई टिप्स चाहिए तो मुझसे ले लीजिए, मैं बता दूंगा आपको। ये हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया था, अब इसको किसी भी बाउल में डाल के उसका शेप दे देंगे और ये हो गया रेडी। तो गाइस उपमा बन गया है, बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी। शेप नहीं दे पाया मैं, क्योंकि मैंने बाउल में डाला, उसको दबाया लेकिन उल्टा किया तो बाहर ही नहीं निकला, और कटोरी जिसमें मैंने डाला था वो बहुत गर्म हो गई थी, पकड़ी भी नहीं जा रही थी, तो मैंने ऐसे ही निकाल लिया। क्या दिखावा क्या करना है, पेट में ही जाना है। सुबह के 10 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा गर्मी है। ना काम नहीं हुआ, जूस लेने गया था नहीं मिला। चलिए फ्रेश निकालेंगे। आ गए साहब अपनी गद्दी पे, अब सारा दिन यहीं बैठना है, टीवी देखना है, मोबाइल चलाना है, टीवी देखना है, मोबाइल चलाना है, और कुछ काम नहीं। हाँ सैलेड खाने के लिए उठूँगा और लंच करने के लिए उठूँगा। दोस्तों आप लोग फास्ट फूड खाते हैं या नहीं? फास्ट फूड खाए कीजिए, बहुत अच्छा होता है। फास्ट फूड इज ऑलवेज हेल्थी। फास्ट फूड का मतलब पता है ना आपको? फास्ट फूड मतलब फ्रिज खोला, सेब उठाया खा लिया, फ्रूट बास्केट में से बनाना उठाया छीला खा लिया, ग्रेप्स उठाए खा लिए, ककड़ी उठाई साइड से कट किया खा लिया, ये सब होते हैं फास्ट फूड। आप फास्ट फूड हमेशा खाइए, रेगुलर खाइए फास्ट फूड, सुबह शाम दोपहर हमेशा खाइए फास्ट फूड। फास्ट फूड इज ऑलवेज बेटर फॉर हेल्थ। बस फास्ट फूड का मतलब क्या मैंने आपको बता दिया, क्या होता है फास्ट फूड।
ठीक है ना, फास्ट फूड खाते रहिए। और हाँ, नौता पे चल रहे हैं, पानी पीते रहिए। गाइस नींद आ रही है मुझे, मुझे लगता है सो जाना चाहिए मुझे थोड़ी देर। तो आज के व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। पहली बार हुआ ऐसा, फ्रेश व्लॉग अभी बना पूरा और अभी अपलोड करूँगा। बाकी फालसे का रस कल पिलाऊंगा आपको, कल वाले व्लॉग में। चलिए, अच्छा लगा आपसे मिलकर, व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। होप करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। कल मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।